हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नई सीरीज में अनऑफिशियल बातें। सो गाइस, आज मैं जिनके साथ कॉल पे हूँ वो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं एंड हेल्थ इज वेल्थ मंत्रा को बहुत ज्यादा अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। सो चलिए हम सब मिलकर उनको हाई बोलते हैं। सो हाई भैया। हाय सुतना, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बढ़िया सुतना। ओके भैया, प्लीज अपने बारे में हम सबको बताइए ताकि हम व्यूअर्स को भी पता चले आपके बारे में। ओके, हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मेरे बारे में, एक्चुअली मैं अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल दुलियाजान में वर्क कर रहा हूँ एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, और मैं वहाँ पे 11 और 12 को फिजिकल एजुकेशन क्लासेस लेता हूँ, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। सो उनको बेसिकली फिजिकल एजुकेशन में जो चैप्टर्स है, विच इज बेसिकली ऑल द सेगमेंट्स, आप लोग ट्राई करते कवर अप करने के लिए, जैसे कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, उसके बाद आपका साइकोलॉजी है, फिर स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, योगा है, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको सिलेबस में है और ये सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं ज़्यादा उनको ब्रीफ करने के लिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कि जो भी उनको परस्यू करता है, बेसिकली उनका ये मोटिव नहीं होता कि उस सब्जेक्ट को लो, मतलब कोई एक से डिग्री के हिसाब से लो, बट एज ए रिलैक्सेशन सब्जेक्ट के हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल स्टूडेंट्स का उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट विल हेल्प देम टू गिव सम रिलैक्सेशन रिगार्डिंग द अदर सब्जेक्ट्स, बट when they come to see that there are the chapters which is very necessary for their health, it creates more interest regarding those chapters, and which is also very necessary to understand that people are usually in those phases right now where prevention is better than cure. Yes, true, isn't it? Yeah. बिल्कुल। मैं तो खुद वो गाइस, मैं खुद DPS से पास आउट हूँ, वही दुलियाजान दिल्ली पब्लिक स्कूल से, एंड मेरा भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था 11 एंड 12 में, बट दो भैया नहीं थे उस वक्त टीचर। सो यस, ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, नॉलेजेबल भी है, एंड या मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगता था। लाइक हम लोग गेम्स भी खेलते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे, सो इट वॉज फन प्लस स्टडीज, पैकेज, कंप्लीट पैकेज मैं कह सकती हूँ। ओके, सो भैया मैं आपको तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ एंड आप जो अपलोड करते हैं वो भी मैं देखती रहती हूँ। सो पहले आप बहुत क्रिकेट के मतलब पोस्ट वगैरह डालते थे एंड रिसेंटली आप साइकिलिंग वगैरह के पोस्ट डालते हो, सो हाउ कम आप मतलब क्रिकेट से डायरेक्टली आप साइकिलिंग में चले गए, लाइक टर्न हो गया? क्रिकेट एक्चुअली एक टाइम पे मेरा लाइफ था, वो मेरे दोस्त आईज टू पैशनेटली मैं क्रिकेट खेलता था एंड उस टाइम पे मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अराउंड 8 ईयर्स से मैं स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना। तो मैंने अपना एजुकेशन भी स्पेशलाइजिंग क्रिकेट था मेरा, और क्रिकेट मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्रिकेट का जो इम्पोर्टेंस है मेरे लाइफ में, उसने मेरे को ग्रो करने के लिए अभी जिस पोजिशन में हूँ क्रिकेट के पैसे, क्योंकि मैंने अपना जो लाइफ में एजुकेशन के पर्पस में जो भी मैंने किया है एक क्रिकेट को साइड में रख के, क्रिकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, फिर मैंने एजुकेशन को चूज़ किया, तो क्रिकेट एक मेरी लाइफ में। अभी क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ द मीन्स मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना जो पैशन है क्रिकेट के रिगार्डिंग एक बड़ी लेवल पे मैं अभी परस्यू नहीं कर सकता उसको ऐसे, बट आई लव क्रिकेट, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, मैं खेलता हूँ क्रिकेट वीकेंड्स में या तो किसी भी टीम पे एज ए रिक्रिएशन गेम के हिसाब से खेलता हूँ, या तो मैं हेल्प करता हूँ कि बाकी स्कूल टीम्स को मैं रिवाइव कर सकूँ, तो एज क्रिकेट मेरा गेम। बट साइकिलिंग मेरा पैशन नहीं था पहले, बट साइकिलिंग में एक्चुअली एज ए रिक्रिएशनल पर्पस और फिटनेस पर्पस से स्टार्ट किया था, बट जैसे मैंने उसको स्टार्ट किया है साइकिलिंग मुझे धीरे धीरे उस चीज़ को मैं और ज़्यादा जानने की कोशिश किया, जिसके वजह से मुझे ये पता चला कि साइकिलिंग इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल,
क्योंकि आप साइकिलिंग जब करते हो, अगर आपके पास साइकिल है एंड इफ यू गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अराउंड 50 किलोमीटर किया है, 100 किलोमीटर किया है, ये डिस्टेंस अगर कवर करते हो, देन क्या होता है ना, आपको एक अचीवमेंट फील होता है, तो वो और मोटिवेट करता है आपको फर्दर साइकिलिंग करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके साइकिलिंग का अपना खुद का बेनिफिट्स है, जैसे कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, आपको एंड्योरेंस लेवल बढ़ाता है, ठीक है, आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है, फिट रहने के लिए हेल्प करता है. फिर ये साइकिलिंग इज ऑल्सो मेडिटेटिव प्रोसेस. अगर आप देखेंगे तो आपको नेचर का अलग अलग व्यूज मिलेगा, एक ही पोजिशन में आप रहोगे नहीं, आपको नई नई जगह जाने को मिलेगा. तो ये सारी चीजें आपको बहुत मोटिवेट करता है साइकिलिंग का. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन सी दैट साइकिलिंग हैज अदर बेनिफिट्स आल्सो. इट इन्फ्लुएंस अदर पीपल बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्किल्स. स्पेशली क्रिकेट खेलने के लिए यू नीड स्पेसिफिक स्किल्स, बट इन साइकिलिंग यू हैव टू जस्ट गो टेक द साइकिल एंड जस्ट गो फॉर दैट एक्टिविटी, एंड इट ऑल्सो मोटिवेट अदर्स टू स्टे हेल्दी. साइकिलिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. सो उस हिसाब से मुझे अपना साइकिलिंग करने का एक उत्साह मिला. हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है, आप तो पोस्ट डालते रहते. इनफैक्ट आज ही शायद आपने स्टोरी पे कुछ डाला है, दो मैंने नहीं देखा है. वो मेरा साइकिलिंग का नहीं, वो रनिंग का क्या है. ओके, रनिंग का. तो भैया आप इतना ज्यादा ट्रैवल करते हो, सो आप गुवाहाटी भी ट्रैवल करके गए, तो आपका ये जो ग्रुप फॉर्म हुआ वो कैसे फॉर्म हुआ? हाउ कम आप लोग एक साथ, लाइक कुछ तो प्लान होता होगा जब आप इतना बड़ा लंबा थ्रू साइकिलिंग प्लान करते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करना है, सो ये कैसे होता है ये प्रोसेस वगैरह? हाँ, एक्चुअली गुवाहाटी हम लोग गए थे, तो इट वाज 550 किलोमीटर. हाँ, पेपर पे आपका वो फोटो भी तो आया था आपके ग्रुप का, सो इट वाज वेरी नाइस. सो आप प्लीज बताइए हमें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो टू नो. सो एक्चुअली द इनिशिएट वाज टेकन बाय द ऑयल इंडिया लिमिटेड. इट वाज अ इनिशिएशन बाय, देयर वाज अ सीएसआर ग्रुप व्हिच हैज टेकन द इनिशिएशन. द नेम ऑफ द इवेंट वाज एक्चुअली ड्यू टू इट्स एन साइकिलिंग फॉर सम कॉज, दैट इज स्वच्छ भारत, स्वच्छता ही सेवा. इट इज नो टू प्लास्टिक, स्पेशली दोज प्लास्टिक्स दैट इज यूज फॉर स्मॉल ड्यूरेशन लाइक प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स एंड ऑल. सो वॉट यू हैव डन एक्चुअली, द ऑल इंडिया हैज टेकन इनिशिएटिव ऑफ गोइंग फ्रॉम दुलियाजन हेडक्वार्टर्स, पाइपलाइन हेडक्वार्टर्स, सॉरी मेन हेडक्वार्टर्स टू पाइपलाइन हेडक्वार्टर्स, दैट इज इन गुवाहाटी. दिस वॉज द जर्नी. It was a 550 kilometers. So the whole group that we have discussed, actually the All India has seen that our Dulhejan Cycling Club, so the first journey that we have, long distance journey, was around 200 kilometers. That was from Guwahati to Rongia, sorry, Bhutan, up and down. So it was a 200 kilometers BRM that the event goes on. Then after that, we have gone to rowing, then Subansiri, then we have been to Pasighat. So there are some places which was a very good and very long distance, 400 kilometers, 300 kilometers, 380 kilometers. So the Oil India community, the Oil Indian organization has seen this sort of events, that these people can go through far distance places with a proper organization without any hassle. So this was a very good not initiative, but they have seen that this was a very good endurance ride that they are doing. Then what I mean, the we got a proposal from the Oil India that aap logo ko ek ride karna hai from Dulhejan to Guwahati, everything will be sponsored by oil. So those people, those who got engaged, actually they are very good endurance riders. They have done some sort of achievement in their cycling for long distance achievements like 200 kilometers. सो देट वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. एंड उसके बाद हम लोगों को सिलेक्ट किया गया, दो देयर आर सम मेडिकल प्रोसेस ऑल्सो हैव बीन डन, एंड वी हैव बीन टू स्कूल्स ड्यूरिंग द जर्नी. वी हैव स्प्रेड आवर एम्स, व्हाट व्हाई वी आर डूइंग साइकिलिंग एंड व्हाट इज द बैड यूजेस ऑफ प्लास्टिक टू द स्टूडेंट्स, एंड इवन द स्कूल अथॉरिटीज ऑल्सो सपोर्टेड अस, दे हैव ट्रीटेड वेल. एंड even Oil India has given us a lot of support. The welcome that has been done in the Guwahati was really very thrilling, very, it's very beautiful the way they have welcomed us. So this was the journey that we have done, and during the journey it was 2.5 days. We took 2.5 days to reach to Guwahati because we have to be in the schools, which took us a lot of time.
made it 10 to 15 schools. This was really a good one. A lifelong experience. Yeah, it was a lifelong experience, and even you can say a thing to do or to do list. Means because it's a very big thing to go from Duliajand. So thinking of going from Duliajand to Guwahati. I can never imagine myself cycling till Guwahati. Oh God, I won't reach. I think in the midway I will like fall. I completely behosh ho jaungi. It's not that. बट यस अच्छा आप इतनी दूर तक आप लोग ट्रैवल किए इतने सारे लोग थ्रू साइकिल ओनली सो आप लोगों का डाइट क्या था बिकॉज कुछ तो स्ट्रिक्ट डाइट होना पड़ेगा शायद इसके लिए आई डोंट नो आप बताइए मैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जैसे मैं प्रिपेयर करता हूँ क्योंकि व्हेन वी गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली मोर देन 300 किलोमीटर्स और 200 किलोमीटर्स जैसे कि अगर मुझे नेक्स्ट संडे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस राइड करना 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के आसपास तो उस टाइम के मैं ज्यादातर कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है जैसे चावल रोटी वगैरह मैं इंटेक बढ़ा देता हूँ ठीक है तो उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहता है बट कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे वो एनर्जी प्रोवाइड करे ड्यूरिंग द राइड ठीक है और वो मुझे हेल्पफुल करता है एक वीक पहले मैं बढ़ा देता हूँ सो ड्यूरिंग द जर्नी मैं कार्ब्स लेता हूँ क्योंकि आपको आधा घंटे या एक घंटे के बाद ऐसा फील होगा कि पेट खाली होगा जब आप राइड करेंगे ना खाना खाने के बाद हाँ हाँ हाँ. तो जैसे हम लोग लंच करते हैं फिर हम लोग लंच करने के बाद राइड करना स्टार्ट करते हैं तो एक घंटे के आधा घंटे के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपका पेट खाली हो गया दैट मींस मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है फास्ट हो जाता है तो हम लोग कार्ब्स इंटेक ज्यादा करते हैं तो जैसे ही आपका राइड खत्म होता है फिर हम लोग प्रोटीन इंटेक मैं ज्यादातर प्रोटीन इंटेक पे फोकस करता हूँ और वाइटामिन और मिनरल्स लेता हूँ क्योंकि आपको जितना हो सके लीन फिजिक रहना बहुत जरूरी है True. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको हैवी होने से आपको साइकिलिंग में थोड़ा दिक्कत होता है द मोर योर बॉडी इज लीन यू आर मोर एरोडायनामिक एंड इट इज मोर फ्लेक्सिबल एक्चुअली और बीच में भैया याद है मैंने आपको फोन किया था मतलब आपने मुझे कॉल किया था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स सो ऑब्वियसली आपने कहा था ये बहुत बड़ा चैप्टर है सो इन जिस्ट आप थोड़ा बताओगे तो शायद हमारे व्यूअर्स को भी हेल्पफुल हो तो आपने कहा था कि बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए तो आप प्लीज थोड़ा सा बहुत हमें नॉलेज दीजिए सप्लीमेंट्स आर एक्चुअली वेरी गुड थिंग आपको एक प्रॉपर सोर्स से लेना चाहिए सप्लीमेंट्स लाइक फूड जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है ना हम लोग जो डाइट पहले लेते थे राजा लोग लेते थे डाइट तो उसमें आपका क्या होता था अलग अलग फ्रूट्स होते थे अलग अलग सब्जियां होते थे ठीक है दाल अलग चावल होता था सब्जियां बहुत तरह के प्रकार का होता था मच्छी अलग है ना जैसे हम लोग पार्टीज में लेते हैं लेकिन हर रोज तो पार्टी नहीं हो सकता घर पे इजंट इट स्वीट्स भी होता है बट उसमें क्या होगा आपको सब न्यूट्रिशन मिल जाता था उसमें और वर्कआउट भी हम लोग ऐसे ही करते थे राइट तो अभी क्या हुआ अभी देखो अभी जो हम लोग का फूड हैबिट्स है राजमा चावल छोले चावल दही के साथ क्या आपको विटामिन्स मिलेगा क्या आपको प्रोटीन्स मिलेगा इतू सा दाल में लोग खा लेते हैं चावल ज्यादा लेते हैं जिसकी वजह से टमी फैट्स ज्यादा निकल रहा है इजंट इट तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब सप्लीमेंट्स क्या करता है आपको जैसे आपको विटामिन्स प्रॉपर नहीं मिल पाता है फॉर एग्जांपल एक आयरन डिफिशियंसी पकड़ लीजिए वुमेन्स का सबसे ज्यादा आयरन डिफिशियंसी होता है आयरन एंड कैल्शियम डिफिशियंसी ड्यू टू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक है जिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत ज्यादा आयरन एंड कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स डिप्लीट होते हैं जिसकी वजह से वो आयरन डिफिशियंसी होने की वजह से उनका एनीमिक होता है ठीक है गर्ल्स लोग तो उनको बहुत ज्यादा आयरन सप्लीमेंट चाहिए होगा फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रोटीन आप जैसे सोचो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो होता है उनको 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम प्रोटीन पर डे पर किलो चाहिए होता है जैसे कि 50 किलो का अगर कोई ह्यूमन बींग है तो उसको 550 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे चाहिए होगा तो प्रोटीन एक ऐसा चीज़ है जो बॉडी में रहता नहीं है दे यूज द एवरी डे अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपको जैसे कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल बाल प्रोटीन से बना है नाखून प्रोटीन से बना है स्किन की क्वालिटी बालों का क्वालिटी ठीक है आइज का क्वालिटी ठीक है एवरीथिंग प्रोटीन इवन डीएनए इज मेड अप ऑफ प्रोटीन अगर आपको प्रोटीन अच्छा होगा देन आपका जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसका भी बेटर आप कैरेक्टरिस्टिक्स डाल पाओगे थ्रू प्रोटीन्स बनकर सो अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो फॉर एग्जाम्पल आई टेक सप्लीमेंट्स आई टेक मल्टीविटामिन्स आई टेक क्रील ऑयल विच इज ए ओमेगा 3 सोर्स
ठीक है, आई गिव मॉम माय पेरेंट्स के लिए मैं अपना जो कैल्शियम विटामिंस प्रोटीन ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स देता हूँ, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्स अगर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स आर वेरी गुड क्योंकि दे आर बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट्स, तो अगर आप सप्लीमेंट्स देते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होता है उसके अंदर, क्योंकि आपको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल रहा है। और आपका जो सप्लीमेंट्स क्या होता है ना, देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपको चाहिए इतना सा विटामिंस एंड मिनरल्स, ठीक है, आपके खाने से मिल रहा है इतना, ओके, जो ये ऊपर वाला गैप बन रहा है ना आपका, तो वो गैप आपको डेफिशिएंसी क्रिएट होता है, डेफिशिएंसी क्रिएट होने से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, जैसे कि बाल झड़ना, स्किन प्रॉब्लम्स, देन आपको बहुत सारे बॉडी फंक्शंस नहीं होगा, डायबिटिक हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको जैसे फॉर एग्जांपल B7 बोल के एक विटामिन है, वो आपको फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है, यूज करने के लिए हेल्प करता है। आपका अगर बहुत सारी चीजें मेटाबोलाइज नहीं होगा तो आप उसको एनर्जी कैसे यूटिलाइज करोगे, तो वो सारी चीजें एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है, बहुत जरूरी है। इसलिए मतलब हमें अपने डे टू डे लाइफ में सप्लीमेंट्स लेना इट्स लाइक गुड। हाँ, अगर आप प्रॉपर मील ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रेगुलर वेजिटेबल्स वाले अच्छे वेजिटेबल्स वाले साग सब्जी और प्रॉपर अपने डाइट में कंट्रोल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सप्लीमेंट नहीं लेने से भी चलेगा, बट ऐसा होता नहीं आज के डे टू डे लाइफ, नहीं होता क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं हम लोग। और एक इशू ये है कि आपका जो फूड्स आता है, ठीक है, वो भी एडल्ट्रेटेड है, उसमें भी फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट एक आर्टिकल में आया था कि आपका जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स कोई भी फ्रूट्स अगर ऑर्गेनिक है विदाउट इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, अगर उसको आप जैसे पेड़ से तोड़ा आपने, तोड़ के आपने 6 घंटे के अंदर कंज्यूम नहीं किया, तो उसमें क्या होता है कि जो विटामिन और मिनरल्स होता है धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है डिप्लीट होने की वजह से आपको क्या रहता है, थोड़ा सा विटामिन थोड़ा सा मिनरल्स रहता है और कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो आपको प्रॉपर विटामिन मिलता नहीं है, तो आप एप्पल अ डे अगर डॉक्टर्स की पेवे होता था इजंट इट, तो आज के टाइम पे एप्पल्स जो आता है मनाली से या हिमाचल से, आपको सोचो आप कितने दिनों बाद आता है और उसमें रहता क्या है, क्या विटामिन रहेगा और क्या आपको मिनरल्स मिलेगा उसमें। हम आजकल जो कंज्यूम करते हैं वो इतना भी न्यूट्रिशनस नहीं होता है, इसलिए तो इतने सारा कुछ लाइक डिजीज होता है, कुछ भी होता है, दैट्स द पॉइंट। एंड भैया आपने भी लाइफ में जो जितना भी कुछ अचीव किया है, सो अपने अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, थोड़ा सा लाइट दीजिए, क्रिकेट में इतना हाई अचीवमेंट्स नहीं है मेरा, 2 महीने इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ है और साथ में डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया है। अचीवमेंट्स में साइकिलिंग का अचीवमेंट जैसे बताऊँ आपको, मैं मैंने 200 BRM किया है 2 बार, 200 किलोमीटर, फिर 380 किलोमीटर साइकिलिंग की है, उसके बाद 450 किलोमीटर्स का भी साइकिलिंग किया और 550 किलोमीटर टिल नाउ, यही अचीवमेंट है। और 1000 किलोमीटर का मैंने एक रिसेंटली लास्ट मंथ का अचीवमेंट एक है जिसमें मैंने 4th आया था, तो वो ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था, तो दैट वाज माय अचीवमेंट टिल नाउ। और बाकी है, मैं ट्राइथलन के लिए स्टार्ट किया अभी प्रैक्टिसेस, ट्राइथलन इज एन इवेंट जिसमें आपका स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग इवेंट होता है, उसको आयरन मैन भी बोलते हैं, तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस अभी स्टार्ट किया, देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल लेट्स ट्राई। या ऑफ कोर्स ट्राई करने से ही हो जाता है सब कुछ, बस ट्राई करना पड़ता है। एंड भैया आपका वो जो शॉर्ट फिल्म था दाग अच्छे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा व्यूज मिला उनका, मुझे भी मतलब बहुत पसंद आया, फिर मैंने जितने लोगों को भी शेयर किया उन्होंने भी बहुत बोला, इट वॉज रियली नाइस। सो ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही यूनिक था, सो आपने कब सोचा कि आपको शॉर्ट फिल्म भी करना है करके, लाइक हाउ डिड द प्रपोजल केम डाउन टू यू? मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, एक मेरा फ्रेंड है अरिंदम बोरवा जो इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, ही जस्ट अप्रोच मी एंड टोल्ड मी वी नीड अ गाय हु लुक्स लाइक अ लिटिल बिट फ्रॉम द नॉर्थ, और मेरा लुक उनको मैच किया है और मैं थोड़ा हिंदी नॉर्थ की तरह है, बट मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल आई कैन मैनेज, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक देख के उन्होंने मेरे पास अप्रोच किया, बट इट वॉज माई फर्स्ट शॉट, मैंने कभी एक्टिंग नहीं किया, घर में एक्टिंग करता था जब पेट में दर्द होता था, पढ़ाई नहीं करना होता उसको वही एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस लेके मैं अपना
बस में क्या बोलते फर्स्ट ब्रेक थ्रू दिया वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस। रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आए थे। सो अल्टीमेटली जब हम कुछ करते हैं एंड उसका रिस्पॉन्स जब इतना पॉजिटिव निकलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बहुत अच्छा लगता है। सो सो भैया इट वॉज सो लवली टॉकिंग टू यू। हमने इतना कुछ इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगे। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ थम्स अप लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि कैसा लगा है एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल शुतुनुका ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपको मेरे साथ कोलैबोरेट करना है अनऑफिशियल बातें में सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, हे बाय। Thank you.